देखा तो अभी दिन में से ही पटाखे फूटने लग गए हैं। वो देखो आगे उधर फूट रहे हैं। चलते हैं अभी वहीं पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल डॉली द ब्लॉगिंग। कैसे हम लोग फ्रेंड्स, आज हमको यहाँ पे है दूसरा दिन और अभी हम नहा धो के रेडी होके जा रहे हैं सबसे पहले नाश्ता करने के लिए। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। जहाँ भी जाएंगे बताती हूँ मैं आपको, मिलती हूँ मैं नाश्ते में। अभी ना मेरे हस्बैंड यहाँ पे बनाने वाले हैं, अपने यहाँ पे बनाना पड़ रहा है यहाँ पे सब। गया हम लोगों का ब्रेकफास्ट। अब हम आ चुके हैं लॉन्ग मार्केट में, डांस के की लॉन्ग मार्केट में, और अब हम घूमते हैं यहाँ पे। बारिश भी लगी हुई है, सुबह हो रही थी थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बारिश का, बारिश हो कुछ भी हो। फिलहाल तो हम अभी यहाँ इंजॉय करते हैं। घूम रहे हैं ऐसी बाहर मार्केट में, इतना सुंदर है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी चहल पहल हो रखी है यहाँ तो, अभी दिन में से ही पटाखे फूटने लग गए हैं। वो देखो आगे उधर फूट रहे हैं। चलते हैं अभी वहीं पे। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं यहाँ। करो भाई स्टार्ट। गू 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 गू, ये कौन सी गाड़ी होती है स्टार्ट? गुर 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 गुर, इधर देखो गुर गुर। अच्छा दुल्हन की तरह सजी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। ये बोट है क्या? ये कितनी बड़ी है ये? ओ माय गॉड, कितनी लंबी है ये। ओ पीछे तक है ये तो, बहुत लंबी है। अब मेरा बेटा जा रहा है यहाँ पे झूला झूलने के लिए। कहाँ पे? यहाँ पे। बट मैं नहीं झूलती, मेरे को उल्टी होती है। खाली मेरा बेटा जा रहा है, पता नहीं मेरे हस्बैंड जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे साथ में। तो भाई तुम लोग जाओ, मेरे बस का तो नहीं है। ओ माय गॉड, मैं तो नहीं आ रही, तुम ही जाओ। चले गए हैं झूला झूलने के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बचपन में तो मैं कभी भी ये घोड़ों वाले में नहीं बैठा था, घोड़े वाली गाड़ी में जो गोल गोल घूमते हैं, लेकिन बचपन का शौक जो है कि ये अब बुढ़ापे में अपना पूरा कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे ये लग गए हैं टिकट की लाइन में, और ये जा रहे हैं अब अपना शौक पूरा करने के लिए।
सारे शौक पूरा करेंगे ये। अपना शौक पूरा करने के लिए बेटे को भी ले गए हैं साथ में। खाना तो नीचे बैठ रहा है, पापा ऊपर बैठ रहे हैं। खाना हाई करो, खाना हाई करो। पापा कहाँ है? ओए होए, ऊपर से नीचे आ गए। बेल्ट लगा लो, बेल्ट। हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अब जा रहे हो दोनों के दोनों घुड़सवारी पे। ये आ गए। जा रहे हैं बहुत पुरानी वाली बोट में। ऐसी बोट तो मैंने देखी भी नहीं थी, कहाँ से देखनी थी। और आज बैठने के लिए जा रहे हैं। अब मैं ऐसे करके इस बोट में जाएंगे बैठने के लिए, घूम के आएंगे 2-3 घंटे। और अब आ गई हूँ मैं बोट की टॉप फ्लोर में, छत में। छत से पूरा नज़ारा देखिए, क्या हो गया है, मुझे डर क्यों हो गया? आज तो बहुत झूला झूल लिया तुमने, घोड़े भी चला लिए, चरखी भी झूल ली, और सब कुछ चला लिया, बस एक ही चीज़ नहीं चलाई। एक ही चीज़ नहीं चलाई, हाथी घोड़ा सब चला लिए। जो आती है नहीं वो कहाँ से चलाओ? सिप चलाएंगे, अब सिप चलाएंगे, अब हम इधर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे उत्तराखंड से बंदर आ रहा है, जो कि केला खा रहा है। बंदर को जान जाओ, बस केले चाहिए होते हैं, पर्स में लेके जाने पड़ते हैं मेरे को। बंदर केले केले। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी सिप शुरू होने वाली है। और ये देखिए ब्रिज खुल चुका है यहाँ पे, ये ब्रिज खुल रहा है और अब जाएंगे हम इधर से। और फिर जैसे हमारी सिप क्रॉस हो जाएगी फिर जुड़ जाएगा। और हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए रुकेंगे, तो हमने सोचा थोड़ा घूम भी लेते हैं। दोबारा हमारी बोट आएगी, बोट नहीं, दोबारा हमारी सिप आएगी, फिर हम उसमें जाएंगे। और अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत बहुत फेमस जगह है। कौन सी जगह है भाई ये? वेस्टर प्लेट तक। क्या अब बोलो कौन सी जगह जा रहे हैं हम? वेस्टर प्लेट्स। बड़ा एहसान कर दिया तुमने बता के भाई। वेस्टर प्लेट्स और हम पहुंचने वाले हैं। नहीं यार ये काफ़ी दूर है, भी वो दिख ही दिख रहा है पर दूर तो काफ़ी लग रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ के लिए हम इतनी दूर से पैदल चल के आए थे। ये है वो जगह। अभी हम लोग गए थे यहाँ की फेमस बेसिलिका चर्च में, वहाँ पे प्रेयर वगैरह करी हमने। और अभी हम बाहर आ गए, अभी दिखा देते हैं आपको।
अब हमने खा लिया है खाना और हम आए थे यहाँ पे एक फेमस इंडियन रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे जाके भाई को पता चला कि ये इंडियन है, तो उन्होंने बोला मैं आज आपके लिए ना, हमने कहा बहुत अच्छा सा चटपटा सा खाना बनवाओ हमारे लिए, तो उन्होंने खुद किचन में जाके सेफ को बोला कि अपने इंडियन भाई हैं उनके लिए इंडियन के हिसाब से खाना बनाओ, बहुत खाना बनाया। और सेफ भी टीरी के हैं, खास पट्टी के और सेफ भी मिले हमको बाहर आकर, तो उन्होंने देखा चलो हमारे भाई लोग आ रखे हैं, तो वो भी बाहर आए और पूछा खाना वाना कैसा बनाया है, तो टीरी के हैं वो। थोड़ी सी मुलाकात हुई क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो हमें भी पता है कि भाई ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए किसी का। और यहाँ पर रेस्टोरेंट वालों ने, भाई ने तो खूब खातिरदारी करी हमारी, अच्छे से खातिरदारी करी हमारी अपनी तरफ से भी हमको स्नैक्स वगैरह बना बना के खिलाया कि चलो अब ये सलाद खा लो, और समझ सकते होंगे आप लोग लस्सी भी चखना चखना बना के खुद अपने हाथों से खिलाया, चखना और खिलाया, हरी मिर्च काट के हाँ और ठीक है नींबू मसाला लस्सी और क्या बोलते हैं उसको, खुद लस्सी भी लेकर आए कि ये स्पेशल लस्सी है, आप टेस्ट करो इसको कैसी हो रही। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, शायद खाना अच्छा मिलता है इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और नए साल को लगने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड रह गए हैं और हम लोग आ गए अपने होटल में और अपना काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बाहर तो पटाखे बाप रे, आज तो दिन भर से ही यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, बस कुछ ही सेकंड बाकी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, पजाम में तो करो हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल इन्होंने मेरे से वादा किया है कि ये मेरे को ना कुछ भी नहीं पूछेंगे। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, मेरे बेटे को ना ये चिड़िंग चिड़िंग पर थोड़ा कम देना, बहुत चिड़िया हो गया ये। वाओ, बाहर तो फूट रहे हैं पटाखे बट यहाँ से हो नहीं पाएगी। ये फोड़ रहे हैं बल्कि आगे से। ओह माय गॉड, कितनी इधर आओ ना, ये आगे से यहाँ से फोड़ रहे हैं। और केक तो हम लाए नहीं बट मुंह मीठा करने के लिए हम ये वाला चॉकलेट केक लेकर आए हैं चॉकलेट लेकर आए हैं, इसी से ही नए साल की शुरुआत करते हैं मीठे से। कोई नहीं, तुम पैसे रह लो, लो भाई हैप्पी न्यू ईयर का केक। गंजीदारी गंजीदारी मुझे तो कोई नहीं खिलाएगा, मैं